Alleluia. 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 मैं खुदावंद का बंदा आपके चर्च में वासल बर्मिंघम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। नाउ आई रिक्वेस्ट टू ब्रदर जोसेफ भट्टी कम टू द फॉरवर्ड एंड रीड द होली बाइबल। भट्टी साहब Timotheus chapter 2 verse 1 to 7 परमेश्वर दे पवित्र कलाम च पढ़ा है फर्स्ट टिमोथियस सेकंड चैप्टर वर्स 1 टू 7। सो मैं सब तो पहला ये तगीद करता हां जो बेनतियां प्रार्थना अरदासां अते धन्यवाद सबना मनुखां लई कीते जाण, पातशाह अते सबना प्रार्थने वालियां दे लई, कि असी पूरी भगती अते गंभीरता विच चैन अते सुख नाल उमर भोगीए, साडे मुक्तिदाते परमेश्वर दे हजूरों इहो भला अते प्रवान है, जो चाहुंदा है कि सारे मनुख बचाए जाण अते ओह सब दे ज्ञान तक पहुँचण, क्यों जो परमेश्वर इको है और परमेश्वर अते मनुखां विच इको विचोला है जिहड़ा आप मनुख है अर्थात प्रभु यीशु, जिन्हें अपने आप नूं सभना लई प्रशाच करके दे दित्ता अते उहदी साखी अपने वेले सिर हुई। अते इस दे लई मैं प्रचारक अते रसूल अते निश्चा अते सच्चाई विच पराईआं कौमां नूं उपदेश करन वाला थापिया गया सां। मैं सच बोलदा हां झूठ नहीं मारता। हालेलुया, जय यीशु की। थैंक यू। और हम दुआ करें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, सजदा रेज हो, जिंदा अल मसीह सच्चे और बरहक खुदा अपने दिलों को खाली करते हैं, अपने खुदावंद से रहमत तलब करते हैं, क्योंकि वो जलाल और हशमत का बादशाह है, सबको पैदा करने वाला है, आए अच्छे और अजीम उस्ताद खुदावंद यीशु अल मसीह आज यर्मिया की तरह अल्फाज का जखीरा दे। तू ही कलामे खुदा है बाप, आज अकले सलीम नहीं चाहता, विजडम चाहता हूं। आज का कलाम सब जिंदगियों को शराब करने वाला हो। खुदावंद मेरी मदद को आ, पाक रूह मेरी मदद को आ, इसहाक यकूब और इब्राहिम के खुदा तेरा शुक्र हो सारी बरकत के लिए, आमीन। किताबे मुकद्दस में से मलाकी की किताब उसका 3 और 10, 11, and 12 आए। If anybody like to read in English, I will be grateful. मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ। पूरी दै यकी जखीरा खाना में लाओ, ताके मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तहान करो। रबुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं के नहीं,
यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे तकस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा, रबुल फाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारकबाद कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा मुमकलित होगे, रबुल फाज फरमाता है। तीन आयात, तीनों आयात के आखिर में अल्फाज रबुल फाज, इंग्लिश में कहते हैं द लॉर्ड ऑलमाइटी। तीन आयात के आखिर में अल्फाज रबुल फाज, इसमें भी कोई मस्कलत है, राज मख्फी है, इसमें भी कोई राज छुपा हुआ है। रावी जो इल्हाम को लिखने वाला है कह रहा है, ये मलाकी नहीं कह रहा, कोई नबी नहीं कह रहा, कोई फरिश्ता नहीं कह रहा, कोई इंसान नहीं कह रहा, बल्कि रबुल फाज कह रहा है। कौन कह रहा है? रबुल फाज। आप तो जानते हैं रबुल फाज खुदावन खुदा को कहते हैं, उर्दू जुबान में रब की जमा रबुल फाज, फारसी जुबान में रबुल फाज खुदावन को, आका को या मालक को कहते हैं, अबरानी जुबान में रबुल फाज को कहते हैं रब यहोवा अलोहिम, रब यहोवा सबूत, रब यहोवा अदनाई, रब यहोवा शदाई, रब यहोवा यरी। अगर पुराने से नए अहदनामे में आए तो रब कहते हैं खुदा के बेटे यीशु अलमसीह को, हालेलुया। फिलिपियों 2 उसकी 9-10-11 आयत में, इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु अल मसीह खुदा है, रब है। हालेलुया। किताबे मुकद्दस में लिखा है जॉन 14, यूहन्ना 14 उसकी 7-10 आयत में, मैं बाप से हूं और बाप मुझ में है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, हम एक हैं। रब की जब बात करते हैं तो यहोवा की बात हो रही है, यहोवा सबूत की बात हो रही है, यहोवा अदनाई की बात हो रही है, यहोवा यरी की बात हो रही है, यीशु अल मसीह की बात हो रही है। जिक्र आता है रबुल फाज का तो फौज की जमा है, फौज मिलिट्री को कहते हैं, फौज आर्मी को कहते हैं। रबुल फाज की फौज कौन सी हुई? अगर वो रब है तो उसकी
फौज कौन सी हुई? ऐसी फौज जिसके पास हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, बस्तर पहने होते हैं, बच्चियां होती हैं, ढाले होती हैं, नेजे होते हैं, जूते होते हैं। नहीं, ऐसी फौज नहीं, बल्कि ऐसी फौज जिनके ऊपर बैठकर दुनिया की सैर करता है वो फरिश्ते मलाइक हैं। वो हर वक्त फरिश्तों के ग्रोह के अंदर रहता है, हमेशा हमेशा। उसके आगे भी फरिश्ते, उसके पीछे भी फरिश्ते, ऊपर भी फरिश्ते, नीचे भी फरिश्ते, फरिश्तों के ग्रोह के अंदर रहता है। उनको अपनी हवाएं रथे बनाकर सफर करता है। हालेलुया। मलाकी कहता है वो कौन है? रबुल फौज, फरिश्तों का मालिक, फरिश्तों का खुदा, रबुल फौज, जिसने फरिश्तों को बनाया, लश्करों का खुदा। अजरामे फलक को भी लश्कर कहते हैं, अजरामे फलक को भी लश्कर कहते हैं। पदाइश 24 बार, फलकियात का खुदा, सूरज चांद सितारे ये भी लश्कर हैं जो आसमान पर रहते हैं, ये भी अनुवार के लिए हैं, रोशनी के लिए है। इनको भी लश्कर कहा जाता है। हमारा खुदा सूरज को बनाने वाला है, हमारा खुदा चांद को बनाने वाला है, सितारों को बनाने वाला है,